चलिए आज हम लोगों को देखना है व्हाट आर डिफरेंट इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स. ओके, लेट मी शेयर स्क्रीन वंस अगेन. एक सेकेंड. आप लोगों को इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट मैं थोड़ा सा ऐसे बताती रहती हूँ कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होता है, कि आपके इंस्ट्रक्शन के क्या क्या पार्ट्स हैं. बताओगे आप लोग? नहीं बताओगे? बहरहाल ठीक है. देखो, इंस्ट्रक्शन आपका जो है उसके तीन पार्ट्स होते हैं. कौन कौन सा? एक पार्ट है जो ये बताता है कि भाई ऑपकोड क्या है, एक पार्ट आपको बताता है कि ऑपरेंड क्या है, फिर नेक्स्ट पार्ट जो होता है वो बताता है कि क्या आपकी, एक सेकेंड, एड्रेसिंग मोड क्या है, किस तरीके से आप ऑपरेंड को सेलेक्ट करेंगे. ये आपका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है. देख लेते हैं. स्क्रीन फ्लिकर कर रही है, एक बार रुक जाओ. ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट आपके पास तीन पार्ट हैं हर एक इंस्ट्रक्शन के. एक है ऑपकोड, और फिर उसके बाद मोड है. मोड का मतलब है व्हाट इज़ द एड्रेसिंग मोड यू आर गोइंग टू यूज़ फॉर दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन, एंड एड्रेस और ऑपरेंड नेक्स्ट पार्ट इज. ओके ओके. इसके बाद आपने जो इंस्ट्रक्शन को डिफरेंट फॉर्मेट्स में डिवाइड किया है वो इस बेसिस पे डिवाइड किया है कि भाई जो आपके इंस्ट्रक्शन है इनके तीन मतलब कितने एड्रेसेस को आपका इंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहा होगा. ठीक है, कौन कौन से एड्रेसेस, नंबर ऑफ एड्रेसेस जो आपके इंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किए जा रहे हैं वो कितने हैं. जैसे अगर आप अपने इंस्ट्रक्शन के लिए तीन एड्रेस यूज़ कर रहे हो तो आप उसे थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन कहोगे. अगर आप इंस्ट्रक्शन के लिए दो एड्रेसेस यूज़ कर रहे हो तो उसे टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन कहोगे. और अगर आप अपने इंस्ट्रक्शन में वन एड्रेस को यूज़ कर रहे हो तो उसे आप कहोगे वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन. ठीक है, ओके. अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तो जानने वाली बात है कि आपके पास कौन कौन से इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है. आपको प्रिपेयर रहना है कि इस इन फॉर्मेट्स के बेसिस पे डिफरेंट न्यूमेरिकल्स आते हैं. ठीक है, हमें जानना है कि न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं. इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन कौन से इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है. ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हर एक इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के बाद आपको एक एग्जांपल बताया जाएगा कि किसी भी इंस्ट्रक्शन को, किसी भी एक्सप्रेशन को यूजिंग दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट आप कैसे सॉल्व करते हो. ठीक है, तो सबसे पहले है आपका थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन. तो आपके पास थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन में दो ऑपरेंड के एड्रेस होंगे और एक डेस्टिनेशन का एड्रेस होगा. ठीक है, इस तरीके से आपके पास इंस्ट्रक्शन में तीन एड्रेसेस का यूज़ किया जाएगा और इसे हम जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट अब इसका एग्जांपल कैसे होगा, जैसे हम लिखेंगे इंस्ट्रक्शन किस तरह का होगा, थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन किस तरह का होगा, इसका एग्जांपल क्या है. ऐड, ये इंस्ट्रक्शन का नाम है. इसके बाद R1 एड्रेस नंबर 1, R2 एड्रेस नंबर 2 एंड R3 एड्रेस नंबर 3. मतलब आप एक साथ तीन एड्रेसेस को यूज़ कर रहे हैं और इसका मतलब क्या है, इसे हम माइक्रो ऑपरेशन के थ्रू बताते हैं. तो हम क्या करें, R2 और R3 को ऐड करके हम कहाँ स्टोर कर देंगे, R1 में स्टोर कर देंगे. ठीक है, ये है आपका थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन सॉल्व करने का तरीका. मीन्स R2 प्लस R3 और इस जो रिजल्ट आया उसको हम R1 में स्टोर कर दे रहे हैं. ठीक है, अब इसके एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, जैसे आपको दिया गया है x इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी. ठीक है, तो आप बॉर्नमास रूल यूज़ करते हैं ना एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए. तो देखो कैसे होगा, a प्लस बी, ठीक है, पहले सॉल्व करेंगे, फिर c प्लस बी डी सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम ये मल्टीप्लिकेशन वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे तीन एड्रेसेस को यूज़ कर सकते हैं. ठीक, मीन्स आप यहाँ पे तीन वैल्यूज़ को एक साथ इंस्ट्रक्शन में रख सकते हैं. एक होगा डेस्टिनेशन और दो होंगे ऑपरेंड जिस पे आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है. सबसे आसान यही है, देखो ए और बी गिवन है. ठीक है, जैसे हमने ए और बी को ऐड किया, लेकिन अगर हमारे पास तीसरा वो तो है नहीं, तीसरा एड्रेस. ठीक है, तो आपके पास जो भी रजिस्टर्स अवेलेबल हैं, हम अज्यूम करते हैं हमारे पास 8 रजिस्टर हैं फ्रॉम R1 टू R8. ठीक है, उनमें से किसी एक रजिस्टर को या किसी जनरल पर्पज़ रजिस्टर को हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, टेम्प्रेरी स्टोरेज के लिए. ठीक है, तो हमने क्या किया, ऐड. ठीक है, क्योंकि ऐड करना है यहाँ पे प्लस है, ऐड करना है, किसे ऐड करना है, ए कॉमा बी. ठीक है, ए कॉमा बी को ऐड करके उसे कहाँ स्टोर कर देना है, R1 में स्टोर कर देना है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, ए प्लस बी को हमने कैसे इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में लिखा, ऐड ए R1 कॉमा ए कॉमा
बी ठीक है, ये हो गया। अब मेमोरी, अब इसको देखो माइक्रो ऑपरेशन इसका क्या है, मेमोरी एड्रेस ऑफ ए मतलब इस लोकेशन का जो कंटेंट है, ए लोकेशन के कंटेंट और बी लोकेशन के कंटेंट को ऐड किया गया है और उसके बाद रजिस्टर आर वन में इसे रख दिया गया है। ठीक है, अब आगे हमें इसे फिर से क्या ऐड करना है, ऐड सी कॉमा डी। ठीक है, सी कॉमा डी को हम ऐड करेंगे और उसे कहाँ स्टोर करेंगे, आर टू में स्टोर कर देंगे। ठीक है, जिस तरह से हमने ये वाला किया था, आर वन और आर टू टेम्प्रेरी रजिस्टर से, क्योंकि हम थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को यूज़ कर रहे हैं तो हमें ज़रूरत पड़ रही है, तो जब भी हमें किसी एक एक्स्ट्रा स्टोरेज की ज़रूरत पड़ेगी हम रजिस्टर को उस टाइम पे यूज़ कर लेंगे फॉर टेम्प्रेरी स्टोरेज। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हमने ए कॉमा ए और बी को ऐड किया, आर वन में स्टोर किया, सेकेंड स्टेप में हमने सी कॉमा डी को ऐड किया और आर टू में स्टोर किया। ठीक है, ओके, एडिशन हो गया, ए प्लस बी हो गया, सी प्लस डी हो गया। अब लास्ट स्टेप क्या है, मल्टीप्लिकेशन बाकी है, तो इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन किसको करेंगे, रिजल्ट ए एडिशन ऑफ ए एंड बी कहाँ है, आर वन में है, एडिशन ऑफ सी कॉमा डी कहाँ है, आर टू में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आर वन और आर टू को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और रखना कहाँ है, देखो इवेल्युएट करने को क्या कहा गया, एक्सप्रेशन में लिखा है एक्स इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो भी रिजल्ट आ रहा है उसे x में स्टोर कर देना है, तो हम क्या करेंगे, x में r1 कॉमा r2 को स्टोर कर देंगे। ठीक है, सो दिस इज योर थ्री इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। ठीक, अब एक चीज़ और समझना है कि जैसे जैसे आप ये नंबर ऑफ एड्रेसेस आपके रिड्यूस होते जाएंगे, जैसे आपको इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में कितने स्टेप लगे, वन टू एंड थ्री, इसे आपने थ्री स्टेप्स में सॉल्व कर लिया, लेकिन जैसे जैसे आपके पास एड्रेसेस कम होते जाएंगे नंबर ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ पर्टिकुलर एक्सप्रेशन विल इंक्रीज। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब क्या है कि अब आप टू एड्रेस रजिस्टर्स को यूज़ करेंगे, मतलब या तो आप दो रजिस्टर्स को यूज़ करेंगे या फिर आप दो मेमोरी लोकेशंस को यूज़ करेंगे, मींस आपके पास जो इंस्ट्रक्शन के साथ नंबर ऑफ वेरिएबल्स या नंबर ऑफ स्टोरेज जो लोकेशंस है वो सिर्फ दो रहेगी। ठीक है, तो आर वन है और आर टू है। ठीक है, आप दो स्टोरेज लोकेशंस को यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट वन इज़ आर वन, सेकेंड वन इज़ आर टू। ओके, अच्छा अब एक चीज़ कि अब यहाँ पे कैसे होगा, वहाँ पे तो हम डेस्टिनेशन अलग से कर रहे थे, तो अब ये है कि भाई आपके पास दो ही R1 और R2 को ऐड करना है और इन्हीं में से किसी एक को आपको अज्यूम कर लेना है कि इन्हीं में से कोई एक हमारा डेस्टिनेशन होगा, ये हमारे अजम्पशन पे डिपेंड करता है और मीन अभी हमें सॉल्व करना है तो हम अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, मशीन में प्री डिफाइंड होता है कि फर्स्ट ऑपरेंड को हम स्टोर मतलब स्टोर करने के लिए यूज़ करेंगे या सेकेंड ऑपरेंड को, ठीक है, रिजल्ट स्टोर करने के लिए यूज़ करेंगे, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो आपके इंस्ट्रक्शन का फर्स्ट ऑपरेंड है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन के फर्स्ट ऑपरेंड को हम रिजल्ट स्टोर करने के लिए यूज़ करेंगे और इसका माइक्रो ऑपरेशन क्या बनेगा, ऐड करना है R1 कॉमा R2, तो क्या किया, R1 प्लस R2, और इसे हमें कहाँ स्टोर कर देना है, फर्स्ट ऑपरेंड क्या है, R1, तो ये कहाँ स्टोर हो जाएगा, R1। ओके, तो ये हो गया हमारा टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन। अब इसका यूज़ करते हुए हम किस तरह से एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे इसको देखना है। ठीक है, देखो अब लिखा हुआ है एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी, तो सीक्वेंस तो वही है भाई, क्या करना है आपको, पहले ए प्लस बी कर लो, फिर सी प्लस डी कर लो, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, जो भी रिजल्ट आता है उसको एक्स में स्टोर कर लो, यही करेंगे। ठीक, कैसे करेंगे, चलिए सबसे पहले हमने क्या किया, मूव आर वन कॉमा ए, मतलब हम ए के कंटेंट को कहाँ पे रख ले रहे हैं, आर वन में रख ले रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ए को, ए के जो कंटेंट है, ए में जो वैल्यू स्टोर्ड है उसे हम आर वन में स्टोर करेंगे। ठीक है, आर वन में स्टोर करने के बाद, अब देखो हमने क्या बताया था कि लेफ्ट वाला डेस्टिनेशन होगा ना, इसीलिए डेटा का फ्लो क्या है, ए टू आर वन हुआ। ठीक, इसके बाद हम क्या कह रहे हैं, ऐड आर वन कॉमा बी, मतलब अब हम क्या कह रहे हैं, आर वन में जो कंटेंट है और जो बी में कंटेंट है इन दोनों को हम ऐड करेंगे। ठीक, आर वन के कंटेंट और बी के कंटेंट को हम ऐड करेंगे और स्टोर कहाँ करेंगे, स्टोर करेंगे अगेन इन आर वन। ठीक है, आर वन में स्टोर करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा अजम्पशन है कि भाई जो फर्स्ट ऑपरेंड है इसी को हम डेस्टिनेशन मान के चलेंगे। ठीक है, इसका आप माइक्रो ऑपरेशन भी देख सकते हैं, आर वन और इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही, आर वन प्लस मेमोरी लोकेशन ऑफ बी के कंटेंट को ऐड कर ले रहे हैं और आर वन को स्टोर, आर वन में क्या है, ए, मतलब आप एक तरह से क्या कर रहे हैं, ए और बी को ऐड कर ले रहे हैं और आपने कहाँ स्टोर किया, आर वन में। ठीक, आपका ए प्लस बी का जो रिजल्ट है वो आर वन में स्टोर हो चुका है।
ठीक है, अब आपका नेक्स्ट आता है क्या स्टेप करना है, अब सी प्लस डी करना है, सेम वही चीज़ करेंगे। अब भाई दूसरा रजिस्टर यूज़ करेंगे, ठीक है, क्यों, आर वन को अगर यूज़ करेंगे तो जो पहले वाला रिजल्ट है स्टोर्ड है वो रिप्लेस हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करें, सी के कंटेंट को आर टू में रख लेंगे, ठीक है, सी के कंटेंट को आर टू में रख लेंगे, जैसे हमने ए के कंटेंट को आर वन में रखा था, और उसके बाद ऐड करेंगे आर टू कॉमा डी, ठीक है, ये कर लिया। और उसके बाद अब भाई जो ए प्लस बी कहाँ है, आर वन में है, सी प्लस डी आर टू में है, अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लें आर वन कॉमा आर टू, ठीक है। रिजल्ट कहाँ स्टोर हुआ है, रिजल्ट स्टोर हुआ है आर वन में, फर्स्ट ऑपरेंड आपका आर वन है। अब जो भी रिजल्ट है आर वन में है, तो हमने क्या किया, मूव आर एक्स कॉमा आर वन, मतलब आर वन के कंटेंट को हमने एक्स में स्टोर कर लिया, और यही हमारा एक्सप्रेशन यहाँ पे आपको कह रहा था, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आप इसे एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि पहले आप मूव करें। देखो सिंपल एक और काम कर सकते हैं कि आप जो है ऐसा करो, सबसे पहले करो ऐड, अब यहाँ पे जो है ना एक दिक्कत आ रही है इसमें, रुको मैं एक दूसरा चीज़ कर लेती हूँ। जैसे हम इसको एक और तरीके से कैसे कर सकते थे, लेट मी शो यू वन सेकेंड, वन सेकेंड वन सेकेंड, कंट्रोल यूनिट, चलिए हम यहीं पे बता देते हैं। देखिए ये वाला एक्सप्रेशन है, एक तो हो गया कि हमने पहले ए को आर वन में मूव किया, फिर बी बी और आर वन को ऐड कर लिया, फिर सी को, और दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं, देखो हम लिख के बताते हैं। सबसे पहले जैसे ए प्लस बी करना है, तो हम क्या कर सकते थे, हम लिखते ऐड, ठीक है, लिखते हम ऐड ए कॉमा बी, अगर आप चाहें तो आप अपने पास कहीं नोट कर सकते हैं, पहला स्टेप ऐड ए कॉमा बी, ठीक है। इसके बाद आप क्या करते, मूव इंस्ट्रक्शन को यूज़ करते, ठीक है, रिजल्ट कहाँ स्टोर हुआ है, ए और बी को ऐड किया और रिजल्ट ए में स्टोर होता, तो हम क्या करेंगे, आर वन में किसको मूव करा लेते, हम ए को मूव करा लेते, ठीक है, ये हमारा ए है, ठीक है, ओके ए को, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया फॉर ए प्लस बी, ठीक, ओके। अब दूसरा क्या करना था, सी प्लस डी करना है, ठीक है, तो सेम यही काम कर लेंगे, फिर लिखेंगे ऐड, ए ऐसे ही लिख दे रहे हैं, ठीक है, ऐड सी कॉमा डी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करें, मूव कहाँ मूव कर लें, सी के कंटेंट को हम कहाँ पे मूव कर लें, आर टू में मूव कर लें, ठीक है। अब देखो सी प्लस, एडिशन ऑफ सी प्लस डी आर टू में स्टोर हो गया, एडिशन ऑफ ए प्लस बी आर वन में स्टोर हो गया, अब हम क्या लिख दें, मल्टीप्लाई आर वन कॉमा आर टू, अब रिजल्ट कहाँ स्टोर हुआ, आर वन में स्टोर हुआ है, तो हम क्या कर देंगे, लिखेंगे आगे मूव, एक सेकेंड आगे स्क्रॉल कर लेते हैं, आगे हम कर दें मूव, और क्या करेंगे, आर वन के कंटेंट को हमें एक्स में मूव कर लेना है, दिस इज योर आर वन, ओके। तो दीज आर, दिस इज अनदर वे टू कंप्यूट दिस इंस्ट्रक्शन यूजिंग टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन, ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये तो एक तरीका ये है जैसा यहाँ पे लिखा है, एक तरीका वो है जो आप अपने हिसाब से भी जैसा आपका दिमाग काम करता है वैसे कर सकते हैं, फिलहाल इस प्रॉब्लम के लिए दो ही तरीके हैं, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो, कोई कहे मैम सी प्लस डी से स्टार्ट कर ले, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन जो पैटर्न है आप उसको नहीं भूलोगे कि भाई पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है, और अगर आपके पास और भी ऑपरेशन है आपको प्रियोरिटी को ध्यान रखना है, ठीक है, कि कौन से ऑपरेशन को क्या प्रायोरिटी दी जाती है। अब हम आते हैं वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन। अब इतनी देर में आप इतना समझ गए होंगे कि वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ पे सिर्फ इंस्ट्रक्शन के साथ कुछ एक ही वैल्यू दी गई होगी, ठीक है, जैसे लिखा एड एक्स। और जब मैंने आप लोगों को एड्रेसिंग मोड पढ़ाया था तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि जब भी आपके पास इंस्ट्रक्शन में सिर्फ एक वैल्यू दी है, ठीक है, तो अगर उसे हम कहाँ पे ऐड कर लें कुछ तो पता नहीं है, तो जो प्रोसेसर है उसके पास एक स्पेशल एक रजिस्टर है जिसका नाम है एक्यूमिलेटर। तो जो वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन होता है इसके लिए आप एक्यूमिलेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है, इसके लिए हमें एक्यूमिलेटर की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, सिंगल एक्यूमिलेटर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके बाद वन एड्रेस कैन बी अ रजिस्टर नेम और मेमोरी एड्रेस, ठीक है, लेकिन एक ही वैल्यू रहेगी, एक ही आपको ऑपरेंड मिलेगा, ठीक है। दूसरा वाला क्या होगा, ऑलवेज एक्यूमिलेटर, ठीक है।
आपको इंस्ट्रक्शन इसी तरीके से लिखना है, टू इवेल्यूएट एन एक्सप्रेशन. जैसे क्या हुआ, एड एक्स लिखा था, तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं, मेमोरी लोकेशन जो एक्स के कंटेंट है उसको हम एक्यूमुलेटर में ऐड कर ले रहे हैं और एक्यूमुलेटर में स्टोर कर ले रहे हैं. ठीक है, तो एक और लाइन है, इट यूजेस एक्यूमुलेटर रजिस्टर फॉर ऑल डेटा मैनिपुलेशन. ठीक है, अच्छा अब इसको देख ले कि भाई आपका ये जो ये क्या कहते हैं वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन है ना, इसको कैसे किया जाएगा. फिर से प्रॉब्लम वही है, ए प्लस बी सी प्लस डी. ठीक है, लेकिन आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि इस प्रॉब्लम के लिए आप कोई भी जनरल पर्पस रजिस्टर को यूज़ नहीं कर सकते. जब आप वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन को यूज़ करेंगे तो जब भी आपको स्टोरेज की ज़रूरत होगी आप हमेशा, ठीक है, हमेशा जैसे आप टेम्प्ररी डेटा स्टोर कर रहे थे आप एक्यूमुलेटर को यूज़ करेंगे. ठीक है, और अगर कहीं पे मेमोरी में डेटा को स्टोर कराना है स्टोरेज की ज़रूरत हो तो मेमोरी यूज़ करेंगे, हम रजिस्टर को यहाँ पे अवॉइड कर रहे हैं. ठीक है, ओके. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए प्लस बी है. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लोड ए. लोड ए का मतलब है कि लोड वाला जो इंस्ट्रक्शन है ये आपका डेटा को एक्यूमुलेटर में लाने के लिए यूज़ किया जाता है. तो ये क्या कह रहे हैं कि जो ए के कंटेंट है, मेमोरी लोकेशन ए के कंटेंट को कहाँ पे रख देना है, एक्यूमुलेटर में रख देना है. ठीक है, मेमोरी लोकेशन ए के कंटेंट को एक्यूमुलेटर में कैसे रख रहे हैं, उसके लिए हम लोड इंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हैं. ठीक है, इसको आप दिमाग में रख लीजिएगा कि भाई अगर हमें एक्यूमुलेटर में कोई चीज़ को उठा के रखना है तो उसके लिए हमें लोड इंस्ट्रक्शन को यूज़ करना पड़ेगा. ठीक, अब एक्यूमुलेटर में आपकी ए की वैल्यू आ गई तो हम क्या करेंगे, ऐड बी. ठीक, ऐड बी का क्या मतलब हुआ, एक्यूमुलेटर में बी के कंटेंट को ऐड कर देंगे. ठीक है, और रिजल्ट कहाँ स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर में ही स्टोर होगा, आपको ये ध्यान रखना है. ठीक है, बी में नहीं स्टोर होगा कभी. अगर आपका वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन है, आप एक्यूमुलेटर में कोई चीज़ को ऐड कर रहे हो, तो वो आपका कहाँ पे स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर में ही स्टोर होगा. तो हमने ये दो स्टेप को यूज़ करके एडिशन कर लिया है. ठीक है, और रिजल्ट कहाँ स्टोर हुआ है, एक्यूमुलेटर में स्टोर हुआ है. ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, वैल्यू को जो ए की वैल्यू थी उसे एक्यूमुलेटर में भेजा यूजिंग लोड इंस्ट्रक्शन. उसके बाद अब एक्यूमुलेटर में ए की वैल्यू आ चुकी है तो हमने किया ऐड बी, मतलब बी के वैल्यू को एक्यूमुलेटर में स्टोर कर दे रहे हैं. ठीक है, सॉरी, अब बी की वैल्यू को एक्यूमुलेटर में ऐड करके जो रिजल्ट आ रहा है उसको हम एक्यूमुलेटर में स्टोर कर दे रहे हैं. ठीक है, लेकिन अब देखो भाई, अब अगर हमें ए प्लस बी करना होगा, ए प्लस बी कर सॉरी सी प्लस डी करना होगा, तो बी आपको एक्यूमुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी सी प्लस डी को करने के लिए. तो इसका मतलब जो ए प्लस बी का जो रिजल्ट है इसको आप एक्यूमुलेटर में नहीं रख सकते. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, स्टोर टी. टी एक मेमोरी लोकेशन है. ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एक्यूमुलेटर के कंटेंट को एक मेमोरी लोकेशन पे स्टोर कर दे रहे हैं. मतलब ये जो आपका टी है, टी क्या स्टोर करके रख रहा है, ए प्लस बी की जो वैल्यू आ रही है उसको टी ने स्टोर करके रखा हुआ है. ओके ओके, इसके बाद हम आते हैं लोड सी. जैसे हमने पहले किया, सी की वैल्यू को एक्यूमुलेटर में रखा, फिर ऐड किया किसको, डी को, मतलब डी की वैल्यू को हमने सी में ऐड कर लिया. एक्यूमुलेटर में क्या है, सी की वैल्यू है और ऐड डी है, इसका मतलब एक्यूमुलेटर में मेमोरी लोकेशन डी के कंटेंट को हम ऐड कर रहे हैं और रिजल्ट आपका एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जा रहा है. ठीक है, अब देखो, अब हमें कोई तीसरा चौथा ऑपरेशन तो परफॉर्म नहीं करना है. अब हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, जैसे अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करने पे अभी एक्यूमुलेटर ने क्या स्टोर करके रखा है, सी प्लस डी. सी प्लस डी का जो समेशन है, जो रिजल्ट है, वो कहाँ स्टोर है, एक्यूमुलेटर में, हमने उसे कहीं स्टोर नहीं किया. अब हम क्या करेंगे, टी में हमने क्या किया है, ए प्लस बी को स्टोर करके रखा है. तो हमने क्या किया, मतलब मल्टीप्लाई क्या करें, जो टी की वैल्यू है, मतलब जो ए प्लस बी है और एक्यूमुलेटर के पास सी प्लस डी है, मल्टीप्लाई ए प्लस बी एंड सी प्लस डी, मीन्स एक्यूमुलेटर के कंटेंट और टी को मल्टीप्लाई कर दिया. तो रिजल्ट कहाँ स्टोर होगा, रिजल्ट स्टोर होगा हमारा एक्यूमुलेटर में. ठीक है, लेकिन ये एक्सप्रेशन क्या कह रहा है, रिजल्ट कहाँ चाहिए, एक्स में चाहिए. तो हमने क्या किया, स्टोर का यूज़ किया, स्टोर का, और उसके बाद हमने लिखा एक्स, मतलब जो मेमोरी एक्यूमुलेटर के कंटेंट मेमोरी लोकेशन एक्स पे स्टोर हो गए. दिस इज योर वन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट. इसको करने का कोई दूसरा तरीका अप्रोच नहीं है. जैसे वन एड्रेस के लिए हमने बताया था कि एक और मेथड है, इसको करने के लिए आपको इन्हीं स्टेप्स को यूज़ करना पड़ेगा. एक्यूमुलेटर को अगर यूज़ करना है तो उसके लिए लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शन को ही हम फॉलो कर सकते हैं. ठीक है, ओके.
अब हम आते हैं जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन। जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन मतलब आपको यहाँ पे कोई भी ऑपरेंड साथ में, कोई ऑपरेंड या रजिस्टर एड्रेस या मेमोरी एड्रेस नहीं दिया होगा। जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन में हम स्टैक का यूज़ करते हैं, ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं, स्टैक ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो जैसा स्टैक ऑर्गेनाइजेशन आपका काम करता है, उसी तरीके से आपका जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन काम करेगा, ठीक है। अब देखो लिखा है x इज इक्वल्स टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी प्लस डी, ठीक है, सीक्वेंस में चलेंगे। यहाँ पे आपको पता है पुश एंड पॉप का यूज़ करके, आप देखो पुश का यूज़ करके इंसर्ट करते हैं, पॉप का यूज़ करके डिलीट करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कैसे काम हो रहा है। जैसे पुश है, पुश किया ए, ठीक है, तो मैं यहाँ पे बताऊँगी जब जब हम कुछ करेंगे, यहाँ पे बताते हैं क्योंकि यहाँ पे लिखना आसान है, ठीक है, हम यहाँ पे लिख पा रहे हैं। देखो देखो जब हमने किया पुश, पुश किया, देखो क्या कर रहे हैं, सबसे पहले पुश ए, ए की वैल्यू को हम मतलब ए को हमने स्टैक में रख दिया, वैल्यू क्या आई ए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, पुश पुश बी, ठीक है, तो पुश बी जब करेंगे तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई बी, ठीक है, स्टैक टॉप अभी यहाँ पे है, ठीक है। अब क्या करना है नेक्स्ट में, हमने कहा देखो ए प्लस बी करना है, ए हुआ बी हुआ, उसके बाद हम ऑपरेशन लिखते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ऐड करना है, तो जैसे ही आप यहाँ पे ऐड करोगे, ये जो वैल्यू है बी यहाँ से हट जाएगा और ए हट जाएगा, अब और ये पॉइंटर भी हट गया, अब यहाँ पे स्टैक में क्या रहेगा ए प्लस बी, ठीक है, मतलब जो भी वैल्यू होगी, हमें वैल्यू नहीं पता है इसलिए हम यहाँ पे ए प्लस बी कर दे रहे हैं, ठीक है। तो स्टैक टॉप अब आपको यहाँ पे पॉइंट करने लगेगा, ठीक है, मैं बता रही हूँ और स्टैक आपका कैसे काम करता है। इसके बाद हमने क्या किया, पुश सी पुश डी, तो ये क्या करेगा, सी को इंसर्ट करेगा, टॉप यहाँ पॉइंट करेगा, फिर डी को जब इंसर्ट करेगा तो आपका जो टॉप है वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा भाई, इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे देखो ऐड आया है, ऐड जैसे ही कहोगे आप ऐड, ये क्या करेगा सी प्लस डी को, ये दोनों वैल्यू आपकी यहाँ से रिमूव हो जाएंगी और यहाँ पे क्या आ जाएगा सी प्लस डी, ठीक है। तो अब आपके पास स्टैक में दो वैल्यूज बच रही हैं, कौन कौन सी, एक है ए प्लस बी और एक है सी प्लस डी, और इसके बाद क्या लिखा हुआ है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई जब करना है, मतलब आपने जैसे ही मल्टीप्लाई का इंस्ट्रक्शन दिया स्टैक को, ये सी प्लस डी और ए प्लस बी को दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा और ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये यहाँ से रिमूव हो जाएंगी, ठीक है, ये हटेगा, ये हट गया, ठीक है, और जो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट होगा, ठीक है, ए प्लस बी और सी प्लस डी इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट होगा वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, मतलब आपके पास डेटा यहाँ पे है, तो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आपको मिल चुका है। और अब देखो इसके बाद क्या होगा, अब हमें इसे कहाँ पे स्टोर करना है, हमें इसे स्टोर करना है x में, तो इसके लिए हमने जो इंस्ट्रक्शन दिया, हमने लिखा पॉप, पॉप के साथ हमने कहा x, ठीक है, मतलब जो वैल्यू को आप पॉप करोगे उसे कहाँ पे स्टोर कर देना x में, तो ये जो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है, ठीक है, ये यहाँ से पॉप होगा मतलब डिलीट हो जाएगा और x इज इक्वल्स टू जो रिजल्ट है वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। सो दीज आर स्टेप्स फॉर ज़ीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन। जो भी आपके पास वैल्यूज़ हैं जिस पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, पहले उन्हें पुश किया जाएगा, ठीक है, पुश किया, उसके बाद ऑपरेशन परफॉर्म किया, फिर नेक्स्ट सेट को पुश किया, ऑपरेशन परफॉर्म किया, उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई करना था, आपके पास ये दोनों वैल्यूज़ ऑलरेडी स्टैक में थी, मैंने जैसे एग्जीक्यूट करके बताया, ठीक है। इस तरीके से आप ज़ीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ योर इंस्ट्रक्शन फॉर्मैट, ओके, देर आर थ्री इंस्ट्रक्शन फॉर्मैट, थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन, टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन, फोर एड्रेस इंस्ट्रक्शन एंड ज़ीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन, ओके।